स्टडिंग यूजेज ऑफ मेटल्स, यूजेज ऑफ मेटल्स क्या बताना है? ये तो आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, यूजेज ऑफ मेटल्स। हम लोग के लाइफ में मेटल्स का बहुत यूज होता है, नहीं? ठीक है, इसके बिना आप तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। घर बनता है तो आयरन छड़ चाहिए, बर्तन है यूटेंसिल्स है तो एल्युमिनियम चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। आपको मतलब ज्वेलरी चाहिए तो गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, वायर चाहिए तो एल्युमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, हर जगह तो मेटल ही दिख रहा है। मेटल तो हेवी यूज है हम लोग के लाइफ में, मेटल का। नहीं देखो, सबसे पहला आता है कि मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कौन कौन सा मेटल हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं? देखो, मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स कौन सा हम लोग का इन आवर एवरी डे लाइफ, लिख दो, इन हम लोग डे टू डे लाइफ, इन एवरी डे लाइफ कौन कौन सा मेटल का यूज करते हो, पहले नाम बताओ। एफी, एफी किससे किसको इंडिकेट करते हैं? आयरन, एफी का मतलब आयरन, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हम लोग लाइफ में आयरन का। नहीं, उसके बाद है सी यू, सी यू का मतलब क्या हो गया? कॉपर। और बोलो इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ए एल्यूमिनियम, और भी बहुत सारा है, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर तो लिख दिए, लेड बोले थे ना, लेड उल्टा लिख दिए, चलो इसका ऐसे कर दो, पी भी। प्लेटिनम भी यूज हो रहा है आजकल, प्लेटिनम, POT, नहीं सबका यूज हो रहा है। तो एक एक करके सबसे ज्यादा हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? आयरन से यूज करते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है केमिस्ट्री में? Fe, याद कर लो इसका। नहीं, किस लिए यूज होता है? तो जितना भी फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, जितना भी रसोई वगैरह का मैक्सिमम बर्तन हम लोग का है ना, इसी का बना होता है, कुकिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल्स। और किस में यूज होता है? वाटर बॉयलर्स, पानी को जहाँ खोलाया जाता है वो मशीन उसका हो गया, वाटर बॉयलर्स। और क्या यूज होता है? स्टोव, स्टोव तो अब नहीं है लेकिन गैस स्टोव वगैरह सब में है। आपका टॉयज वगैरह इससे बनता है, आपका टूल्स वगैरह जितना भी है इससे बनता है, पाइप वगैरह आजकल आयरन का, अब तो प्लास्टिक वगैरह आता है, खेती के लिए जितना भी रहता है, हल वगैरह जो भी रहता है, दराती वगैरह सब इसी के बनता है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। और क्या हो गया? चेन वगैरह इसी का बनता है, लोहा का चेन वगैरह बनता है ना। नाउ देखो, वायर बनाना है आयरन का ही वायर्स बनता है, नेल्स बनाना है इसी का बनता है, बोल्ट नट बोल्ट जो रहता है इसी का बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसी का बनता है। तो देखो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला आयरन ही हम लोग का लाइफ में, ठीक है। लिख लो, दें लिख लोगे अपने से क्वेश्चन क्या बनेगा समझना। सिंस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज वेरी लाइट मेटल, वेरी लाइट, हल्का होता है ना, सारे मेटल वगैरह से उठा के देखो ये काफी हल्का होता है, इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, और किस लिए यूज किया था, और इसका क्या यूज करते हैं हम लोग? फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, इससे ही बर्तन बनता है, डेक्ची वगैरह बनता है, फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, कुकर बनता है, कुकर देखो इसी का रहता है, फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स।
थिन फॉइल्स का यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड फॉर जो दवा वगैरह का रहता है ना, रेपर वगैरह सब इसी का बना रहता है. फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड्स, खाना वगैरह पैक करने के लिए रेपर इसी का रहता है, और दवा वगैरह जो रहता है ना सब इसी का रहता है रेपर. एंड मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है. चलो हो गया. अब आता है कॉपर. कॉपर क्या हो गया? कॉपर का यूज क्या होता है? बोलो कहाँ पर होता है कॉपर का यूज कहाँ होता है? फॉर मेकिंग जितना भी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह रहता है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन लोग बोलता है कॉपर वायर है वही दे दीजिए बनाने. तो फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स, फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, बर्तन जो छठ पूजा वगैरह में यूज होता है ना, छठ पूजा वगैरह में सारा बर्तन ब्रास और ब्रॉन्ज का सब कॉपर से बना होता है. फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, आज भी छठ पूजा इन्हीं सब का बर्तन में ही होता है. फर्स्ट तो आता है सिल्वर का, क्या होता है सिंबल एजी होता है, ठीक है. इसका यूज कहाँ होता है? ज्वेलरी बनाने में होता है, डेकोरेशन वगैरह का सामान वगैरह. आजकल जो भी पैसे वाले लोग हैं ना, तो लोग सिल्वर का क्या करते हैं, डेकोरेशन का सामान वगैरह घर में रखते हैं, तो उससे उन लोगों का थोड़ा सा शान शौकत बढ़ जाता है, खूबसूरती भी बढ़ जाता है और दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, टेबल वगैरह पर सजाने के लिए. चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, डेकोरेटिंग फूड स्टेप्स, खासकर मिठाई वगैरह रहता है ना, उन लोगों को सजाने के लिए किया जाता है. लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन तो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह में इसका यूज नहीं किया जाता है. क्यों नहीं यूज होता है? हम लोग तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में रहता है ना, यूज कर सकते हैं सिल्वर का, लेकिन नहीं होता है ऐसा. ऐसा क्यों? ज्वेलरी में यूज होता है, ज्वेलरी में तो अभी यूज होता है इसका, काफी ज्यादा यूज होता है सिल्वर का. फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस. आप लोग के घर में कंप्यूटर है? आप लोग के घर में है? पावर पॉइंट पे काम करने आता है? डेकोरेट मिठाई वगैरह के ऊपर रहता है, उसको सजाया हुआ रहता है, ठीक है. अल्दो हालांकि सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येट तो भी इट इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. क्यों नहीं हुआ बताओ? क्यों नहीं यूज करते हम लोग? बिकॉज क्या होता है बोलो? सिल्वर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, काफी महंगा होता है, इसलिए इसका यूज नहीं होता है यहां पर. और
लेकिन ऐसे भी आपका कंप्यूटर वगैरह में गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है, देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनका यूज होता है, खासकर प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर वगैरह देखो। तो ये हो गया हम लोग।